एक आईएएस अफसर ने आईपीएस अधिकारी से हाल ही में शादी की है, लेकिन शादी के 21 दिन बाद ही उसके प्यार और धोखे की खौफनाक कहानी देखने को मिली। इससे प्रशासनिक पुलिस विभाग के साथ साथ पत्नी तक के होश उड़ा दिए। अफसर इस समय कानूनी झमेले में फंसा है, शादी भी टूटने के कगार पर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑफिसर्स बायोग्राफी में। जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ। राजस्थान के रहने वाले युवराज मरमट छत्तीसगढ़ केडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 21 अगस्त को तेलंगाना केडर की आईपीएस पी मोनिका से शादी की। दोनों ने कोर्ट मैरिज की, लेकिन शादी को महीना भी नहीं हुआ था कि एक युवती ने युवराज पर गंभीर आरोप लगा दिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली की रहने वाली युवती ने युवराज के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज करवाया है। युवती ने प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झूठा वादा करके किसी और से शादी करने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। वहीं मामला सामने आने के बाद युवराज ने भी जयपुर के मुहाना में एफआईआर दर्ज करवाई है। युवती के खिलाफ क्रॉस एफआईआर करवाकर युवराज ने उस पर 1.5 करोड़ मांगने और हनी ट्रैप में फंसाने के आरोप लगाए हैं। वहीं युवती ने पुलिस को एफआईआर में बताया कि वो दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी, उनका तलाक हो चुका है। यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली आए युवराज से उसकी मुलाकात हुई। युवराज ने शादी करने की इच्छा जताई। इस महिला के अनुसार युवराज ने उसे प्रेम जाल में फंसाया। युवराज ने आईएएस बनते ही शादी करने का वादा किया। साल 2022 में युवराज आईएएस बन गए। सोशल मीडिया से युवराज और मोनिका की शादी के बारे में जब पता चला तो उन्होंने युवराज को कॉल किया, लेकिन भी फोन पिक नहीं किया। युवती के अनुसार अपने साथ धोखा होने का अंदाजा होने पर उन्होंने दिल्ली के थाने में गई और केस दर्ज करवाया। दरअसल युवराज मरमट रायगढ़ जिले में सहायक कलेक्टर के रूप में पदस्थ हैं। कोर्ट में उन्होंने तेलंगाना केडर की आईपीएस अधिकारी पी मोनिका से शादी रचाई थी। आईएएस युवराज मरमट और आईपीएस पी मोनिका 2021 बैच के अफसर हैं। युवराज मरमट को छत्तीसगढ़ केडर मिला है, जबकि पी मोनिका तेलंगाना केडर की हैं। यूपीएससी में आईएएस युवराज मरमट को 458वीं और पी मोनिका को 637वीं रैंक मिली थी। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऑफिसर से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।